पाया जाता है। यूहन्ना 19 उसका 30 पद और इसे बाद में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे पास्टर हमें मिला। क्रूस पर से यीशु द्वारा कही गई छठवीं वाणी पूरा हुआ। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 30वां पद, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अभी हमने गीत में गाया पूरा हुआ जय घोष करता राजा हमारा मैं देखना। यूनानी शब्द टेटेलेसाइट, इसका जो अर्थ है वो पूरा हुआ या पूर्ण भुगतान किया गया। प्रभु यीशु मसीह एक विशेष कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए और उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव रूप धारण किया और न सिर्फ उन्होंने मानव रूप धारण किया लेकिन उन्होंने चुपचाप धीरज के साथ लज्जापूर्वक दुख उठाते हुए क्रूस की मृत्यु को भी चुना। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि जब यीशु ने वो सिरका लिया, चारों सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दाखरस वाइन तिरका उपलब्ध कराया गया, लेकिन हम मत्ती और मरकुस इन दो सुसमाचारों में हम पाते हैं कि दो बार उनको दाखरस का ऑफर किया गया, उपलब्ध कराया गया। जब हम मत्ती और मरकुस के दृष्टिकोण से इसको देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इसे लेने से क्या कर दिया, इंकार किया, मना किया। क्यों? क्योंकि वहां पर हम पाते हैं कि एक जगह उस दाखरस में क्या मिला हुआ था, मोल मिला हुआ और एक जगह पित्त मिला हुआ था। और विद्वानों का मानना है कि ये मुर या पित्त का मिलाया को मिलाकर दिया जाना जो उस समय ऐसे कष्टों में पीड़ाओं में रहने वाले व्यक्तियों को इसलिए दिया जाता था कि वो उनके दर्द निवारक का कार्य करे या उनकी उस चेतना को या चेतना को वो शून्य कर दे, वे बेहोशी की हालत में आ जाए ताकि उन्हें किसी और प्रकार का दर्द महसूस ना हो। और इसीलिए यीशु ने उसे लेने से इनकार किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के दर्द को सचेत रहकर सहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं दर्द निवारक या इस अचेत इस पे को लू जिसके द्वारा मैं अचेतन में हो जाऊं, लेकिन वे उस दर्द को महसूस करना चाहते थे जो क्रूस का दर्द जिसको उन्हें सहना था, जिसको उन्होंने चुना था। और इसीलिए यहां पर जब लिखा है कि जब यीशु ने वो सिरका लिया, यूहन्ना कह रहा है यहां पर का जो सिरका था या जो दाखरस था वो उस दाखरस से अलग,
यहाँ पर लिखा है 29वें पद में कि वह सिरके से भरा एक बर्तन था, ये अलग बर्तन, और इसलिए परमेश्वर मसीह यहाँ पर इसे ग्रहण करते हैं। जब हम अन्य सुसमाचारों में देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कुछ विद्वान मानते हैं कि एक क्राई था परमेश्वर मसीह का, एक रोना था, लेकिन यहुन्ना बताता है प्रियो कि ये एक क्राई नहीं था, लेकिन ये एक विजय की घोषणा थी, एक विजय की घोषणा थी, न कि एक हार का या रोने का एक वचन था। जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे उसको उन्होंने पूरा किया, उनकी मृत्यु एक विजय का चिन्ह थी। क्रूस पर यीशु का पतन नहीं हुआ, किंतु उसने शत्रुओं से विजय प्राप्त कर परमेश्वर तक पहुंचने का वो क्रूस उनका एक मार्ग बन गया। यीशु ने क्या पूरा किया? यीशु ने यह नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हो। जब हम योना के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के पहले 5वें पद जहां प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना है, जब हम भाग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को जो परमेश्वर ने उसे दिया था पूरा किया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अवतार लिया था उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसकी मृत्यु के द्वारा से जगत के छुटकारे का कार्य पूरा हुआ, और इस महान कार्य के द्वारा छुटकारे तक पहुंचने का कार्य पूरा हुआ। इसके साथ ही हम देखते हैं जब हम यूहन्ना के ही 12वें अध्याय के 23वें पद में और 17वें अध्याय के पहले पद में को पढ़ें, तो वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर की और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कार्य पूरा हुआ। यूहन्ना क्रूस पर के यीशु के लिए कभी भी क्रूसिफिकेशन या डेथ या दुख शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यूहन्ना क्रूस पर के यीशु के लिए ग्लोरिफिकेशन महिमा के शब्दों का प्रयोग करता है, जो महिमा उसने परमेश्वर की अपनी की वो पूरा हुआ। हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी जो सैकड़ों वर्ष पहले कही गई थी उन सब भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो बलिदान को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया जो बलिदान प्रतिवर्ष लोग अपने पापों के लिए चढ़ाया करते थे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान को पूरा किया। प्रियो, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 6वें वचन पूरा हुआ, इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? यीशु की मृत्यु एक विजय मृत्यु थी, वह पाप पर, शैतान पर, मृत्यु पर विजय हुआ, और उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। इस मृत्यु ने हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह की इस मृत्यु के द्वारा, उसके पूरे होने के द्वारा, उसकी मृत्यु हमारे लिए जीवन बन गई। आज जब हम इस समय के दौर में, इस दौर में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने
जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो फिर से हमें लेने आएगा, और उसने उन बातों को बता दिया है कि मेरे आने के पहले क्या क्या बातें घटेंगी, कौन कौन सी बातें पूरी होंगी, और आज के समय में हम उन सब बातों को पूरा होते देख रहे हैं। आज हम अपने चारों बातों को पूरा होते हुए जिन्हों को पूरा होते देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अर्थात उसके आने का समय बहुत ही निकट है। और इसलिए क्या आज हमें जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने दिया है, आज हमें विचार करना है कि क्या हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें से प्रत्येक के लिए आज्ञा दी है कि तुम पूरे संसार में जाओ, सारे लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज हम विश्वासियों के लिए ये कार्य है। आज हमें विचारने की आवश्यकता है प्रियो कि क्या हमने अपने कार्यों को पूरा किया है, और यदि नहीं तो हमें आज भी हमारे पास समय है कि हम इस कार्य को अपने जीवन में से पूरा करें। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बहुत आयत से